साइबर क्राइम बढ़ने से कारोबारी कस्टमर्स के डेटा को लेकर पहले से ज़्यादा अलर्ट और कॉन्शियस हो गए हैं। बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियों ने कस्टमर्स को ज़्यादा सेफ डिलीवरी की गारंटी देने के लिए वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP डिलीवरी प्रक्रिया की शुरुआत की। हालांकि फ्रॉडस्टर्स और स्कैमर्स ने इस सुरक्षा का फायदा उठाया और कस्टमर्स के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने की शुरुआत कर दी। हाल ही में कई सारे अखबारों, ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फ्रॉड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स द्वारा ग्राहकों से OTP कलेक्ट करने की कई सारी रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आज हम OTP के साथ फ्रॉड करने वाले फेक डिलीवरी एग्जीक्यूटिव से बचने के कुछ तरीके आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए भी और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। सबसे पहले OTP शेयर करने से बचिए। OTP किसी से शेयर ना करें। फ़ोन, टेक्स्ट, ईमेल के जरिए फ्रॉडस्टर्स OTP देने के दौरान आपको धोखा देते हैं। जालसाज लेनदेन में मदद करने या बेहतर सेवाएं देने के नाम पर झूठे वादे करके आपको लुभाने की कोशिश करते हैं और फिर सफल होने पर वो इलीगल ट्रांजैक्शन कर आपका पैसा आपके अकाउंट से उड़ा लेते हैं, तो ये करने से बचें। दूसरा, वेरिफिकेशन। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का OTP मांग रहा है उसे हमेशा वेरीफाई करें। ग्राहक टेक्स्ट या ईमेल द्वारा भेजे गए सुरक्षित कोड का इस्तेमाल कर ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा काम जो आपकी तरफ से किया जा सकता है वो डिलीवरी। ग्राहकों को पैसे का भुगतान करने और डिलीवरी की पुष्टि करने से पहले डिलीवरी पैकेज को खोलकर देख लेना चाहिए अपनी आंखों के सामने। और इसके अलावा ट्रस्ट, किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी मांगने वाले लिंक या वेबसाइट पर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए। डिलीवरी पर भुगतान पर QR कोड स्कैन करने से पहले बचने के लिए विश्वसनीय भरोसेमंद प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करने की कोशिश कीजिए। यानी किसी भी ऐसी वैसी वेबसाइट से आप पहले तो कोशिश कीजिए कि आप प्रोडक्ट्स ना मंगाएं और भरोसेमंद वेबसाइट से ही शॉपिंग कीजिए। मुझे यकीन है कि इसमें दी गई वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।